ले यार भारी इतना कहाँ है। तो गाइज हमारा पार्सल आ चुका है और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें जो है गाइज हमारा इनक्यूबेटर है जो काफ़ी दिनों से मैंने ऑर्डर किया हुआ था और आज फाइनली हमारे पास आ चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए। तो इन्होंने माशाल्लाह पैक काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो यहाँ पर अंदर कमरे में खोलते हैं इसको। ले आओ ले आओ जी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है यार, अच्छी पैकिंग की हुई है इन्होंने। ओए पकड़ो, चेक करेंगे गाइस माशाल्लाह से हमारा इंक्यूबेटर। तार बड़ी दो नंबर दिया यार, ये देखें तार कैसी दी हुई है। ये खुलता कहाँ से है? साइड पे कोई लॉक ना लगा हो, इस तरह ही खुलता है। तो ये रहा गाइस हमारा इंक्यूबेटर, माशाल्लाह काफी अच्छा है ये। तो एक पाइप टूटा हुआ यार, टूटा नहीं और निकला हुआ शायद। ये रोलिंग ट्रे है इसकी, हाँ वो हो रहा है इसका। ये हैंडल हैंडल जो है इन्होंने अंदर ही दिया हुआ, इसको हमें यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। ये हैंडल जो है गाइस यहाँ पर लग जाएगा, तो पहले मैं हैंडल फिट कर लूँ। तो गाइस कमरे में काफ़ी ज़्यादा खिलेड़ा हो गया है और उन्होंने हमें अंडे वाले वो भी दिए हैं। इसमें हम अपने अंडे भी रख सकते हैं, बस पैकिंग के लिए उन्होंने रखे थे, बाकी हम अंडे तो नहीं रखेंगे, अंडे तो मशीन में रखेंगे। और अब जो है मैंने ये भी फिट कर लिया हैंडल, और अंदर से अब देखिए माशाल्लाह गाइस काफ़ी अच्छी मशीन है। इन्होंने अंदर एक फ़ैन लगाया हुआ है, ऊपर टेम्परेचर के लिए ये तार लगी हुई है, सेंसर है जो, और लाइट भी पहले से ही हमें मिल गई है। बस एक चीज़ में इन्होंने कंजूसी की है, तार नहीं यार सही दी हमें, तार अब हमें खुद लगानी पड़ेगी। तो फटाफट तार लगाते हैं फिर इसको ऑन करके देखते हैं। चलो भाई उठाओ अब इसे, वजनी काफ़ी है यार ये। गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वजनी काफ़ी है ये। इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ ऐसे मोड़ो ना, दो मिनट के लिए हम स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसा चलता है ये। वो साइड वाले जुगाड़ू लगा लिए था, अब दबाते हैं बटन। बिस्मिल्लाह, ओए चल पड़ा, ओए माशाल्लाह गाइज ये देखें काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अब इसकी बस एक चीज़ मुझे देखनी है कि ये रोल हो रहे हैं। हाँ हाँ ये देख रहे हैं आपको, अगर नज़र आ रहा हो तो ये रोल हो रहे हैं और बहुत हल्के से वाइब्रेट हो रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहे हैं। असल वो फंसे हुए हैं शायद, ये ना अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल होता ही ऐसे हैं। गाइज यहाँ पर हमने अपना इंक्यूबेटर चला लिया है और ये देख रहे हैं गाइज ये इसका टेम्परेचर लेवल है, और इसकी मुझे यार नहीं समझ कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी आहिस्ता से समझ आ ही जाएगी। अब ये कि ये टेम्परेचर तो मुझे पता है कि इसका कितना होना चाहिए, फिर जो है अंडे अच्छे से इंक्यूबेट होते हैं। और इसमें हमें पानी भी रखता है जिससे जो है ना इसके अंदर ऑक्सीजन कायम रहे। तो इसको ज़्यादा जल्दी है, इसको ना डाल दें मशीन के अंदर, पकड़ो इसे, गिर गया। तो अब जय गाइस हम इसमें अपने अंडे रखेंगे इंशाल्लाह। और हाँ यार टेम्परेचर अंदर गर्म है, ये जो पंखा लगा हुआ है ना, पंखा ऊपर, ये जो है ना अच्छे से हवा दे रहा है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होने दे रहा, और ये भी रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही हल्की स्पीड में करते हैं रोल। तो गाइस फाइनली हमने इंक्यूबेटर को अच्छे से चेक भी कर लिया और वो माशाल्लाह अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और अब जो है बारी है इसमें अंडे डालने की। और यार मैं एक चीज़ में जो है ना कंफ्यूज्ड हूँ कि इनमें अंडे कौन से हैं। इसमें गाइज देसी मुर्गी के भी दो तीन अंडे हैं, बाकी असील के अंडे हैं। ये तो गाइज पक्का असील का अंडा है, असील मुर्गियों का, जो हमने अलग नहीं रखे गेज में उसके हैं। और इसमें बेंटम मुर्गियों के भी अंडे हैं। तो अभी जो है काम ये है कि मैं लेकर आया हूँ, सॉरी नीचे गिर गया, ये मार्कर, और इससे जो है हम इनमें डेट लिखेंगे इन अंडों के ऊपर, और फिर जो है इनको इंक्यूबेटर में डाल देंगे। और हमें इंक्यूबेटर में पानी भी रखना पड़ेगा,
कोई बर्तन भर के ना पानी का, वो रखना पड़ता है इंक्यूबेटर चलाने के टाइम। तो अब जो है इसमें मैं पहले डेट लिख लेता हूँ सारी, उसके बाद जो है इंक्यूबेटर के अंदर हम अंडे रखेंगे और इसको जो है चला देंगे। तो गाइस फाइनली हमने जो है अपनी मशीन ऑन कर ली और मैंने टेम्परेचर भी इस पर सेट कर दिया है और इसमें बस अब हमें ना अंडे रखने हैं। अंडों पर मैं डेट लिखने वाला हूँ, तो डेट है 10 अक्टूबर, तो यानी 10-10 डेट है आज, तो हम लिखेंगे इस पर। ये लाइट क्यों ऑफ हुई है? 10 इधर 10 ये लाइट सर तो नहीं गई? देखो ना, ये देखो टेम्परेचर जब 37 पूरा हो जाता है ना, अच्छा। तब जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है लाइट। तो गाइस ये देखिए मैंने डेट लिख दी है 10 और 10, यानी अब हम इसको 10-21 दिनों बाद चेक करेंगे। तो पहले मैं सब में डेट लिख लूँ, ये इतने सारे अंडे हैं यहाँ पर, तकरीबन 14 से 15 अंडे हैं, तो वो सब पे मुझे डेट लिखनी है पहले। 10 तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सब अंडों पर जो है नंबरिंग दे दिया है और ये गाइज अभी काफ़ी कम अंडे हैं। मेरी एक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं यार आपको अंडे ढूंढ के दूंगा, मुख्तलिफ़ परिंदों के, परिंदों के अंडे ढूंढ के दूंगा आपको। और तो बिस्मिल्लाह करते हैं और हमने गाइज अंदर पहले से पानी रख दिया हुआ है, ये बर्तन नज़र आ रहा है ना आपको, इसके अंदर पानी है, पानी भी रखते हैं इनक्यूबेटर में जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है ना उसके लिए। तो ये गया हमारा पहला अंडा मशीन के अंदर, मैं ज़रा मशीन स्टार्ट कर लूँ। तो गाइस मशीन हमने अपनी लगा ली है और हमें जो है टेम्परेचर यहाँ पर सेट करना है, हमें टेम्परेचर जो है हमारा इस टाइम 37 सेट है, तो हमें जो है 36.7 सेट कर लिया। ये देखिए मैंने 36.7 टेम्परेचर को सेट कर लिया और अब जो है हम अपनी मशीन चला देते हैं। तो एक एक करके मैं अंडे रखता जाता हूँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो गाइस पूरी है कि ये जो है ना सारे के सारे बच्चे निकल आएंगे। गाइस रात के टाइम जो है हमारे रैबिट्स जो हैं सब बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्या वजह है, ये दिन में नहीं बाहर आते, ज़्यादा रात में निकलते हैं। तो और गाइस आपको एक और न्यूज़ देनी है रैबिट्स के हवाले से कि ये सारे के सारे ही मेल हैं, इनमें फीमेल कोई भी नहीं है, इनको मैंने पर्सनली चेक किया है, ये चारों ही मेल हैं। इनके लिए इंशाल्लाह कल या परसों जो है फीमेल्स लेके आएंगे ताकि हम यहाँ पर ब्रीड करवा सकें इनकी। और गाइज आप हमें लाजमी बताइएगा कि हम इनक्यूबेटर में किस किस परिंदे के अंडे रखें और इंशाल्लाह उसमें हम काफ़ी सारे चिक्स निकालेंगे। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।